जी नमस्ते साहब। हाँ जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं फतेहपुर ग्रांट क्षेत्र विकास नगर से रहने वाला हूँ। जी 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 जी, आप जेपी जनपद की मशीन लेकर आए हो अनाज वाली, कैसी चल रही है मशीन? ये बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया अनाज दे रही है, साफ सुथरा दे रही है अनाज, बिल्कुल भी पराली में नहीं फेंक रही है, बढ़िया चल रही है। पराली की दूरी कितनी होगी आपके हिसाब से? 25 से 30 फीट दूरी है इसकी, आप देख सकते हैं आपने। अच्छा, जैसे आपका 475 ट्रैक्टर है, ये कितने हॉर्स पावर का है? ये 40 से 70 ना, 20 से 40 में है ये। ट्रैक्टर में कोई लोड तो नहीं है? नहीं, लोड वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया। जैसे इसकी एक घंटे की निकासी कितनी होगी आपके हिसाब से? एक घंटे की निकासी यही 10 से 12 क्विंटल। आपके यहाँ मान लो जैसे बीघा वाला सिस्टम होता है ना, बीघा का, तो मशीन किराए पे कैसे चला रहे हो, मिनटों में चला रहे हो कि कैसे चला रहे हो? एक घंटे में 1500 रुपये घंटे में चला रहे हैं, बाकी बोरी का ये है कि एक क्विंटल में 200 रुपये क्विंटल। अच्छा, तेल कितना खा रहा है ट्रैक्टर जैसे आपका? तेल का यही है, 2 घंटे में यही 700 से 800। ट्रैक्टर में कोई लोड लूड तो नहीं? आपके जैसे अनाज साफ आ रहा है मशीन का? अनाज बिल्कुल साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज जैसे सर्विस टीम आई हुई है यहाँ पे, आप हमारे काम से खुश हैं, मशीन के काम से खुश हैं आप? हाँ जी, ठीक है। हमारे कोई ग्राहक को संदेश देना चाहोगे आप? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मशीन यही लो, ज़्यादा से ज़्यादा यही लो। ठीक है, ओवरऑल आपके मान लो जैसे हमारे आई है सर्विस टीम आई है, आप हमारे रवैये से खुश हैं? बिल्कुल, आप मशीन आपका जैसे ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं, दाने आपके साफ हैं, पुरानी दूर है ना, कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मतलब मशीन में, धान मशीन में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो पुराली, एक अनाज और एक ट्रैक्टर। चलिए सर, एक बड़ी परिचय फिर भी इसमें ये भी है कि किला लाल भी बढ़िया अच्छे से निकाल देता है, दाना भी साफ आता है, कोई दिक्कत। चलो, ये तो प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब गिल्ला सब निकाल रहा है, निकाल रहा है। चलिए सर, एक बार अपना परिचय फिर दे दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं फतेहपुर ग्रांट विकास नगर से रहने वाला हूँ। ठीक है सर, हम भी अपनी जेपी जंडू की टीम से आपको बधाई देते हैं, आपका सीजन अच्छा लगे। थैंक यू।